हेलो दोस्तों, शायद आप चौंक गए कि ये गिटार वाला बंदा अचानक आज हारमोनियम लेके कैसे बैठा हुआ। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि आपसे कि मैं अपना लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला लेसन जो ये है, इट्स कॉल्ड ईयर ट्रेनिंग। अगर आप कोई भी म्यूजिशियंस को देखो, चाहे वो ए आर रहमान साहब हो या अरिजीत सिंह हो या कोई भी म्यूजिशियन, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाता हो या वो वोकलिस्ट हो, तो वो अपना ये लेवल जो अपने जो सिंगिंग अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, वो कैसे दे पाते हैं हमें, मैं वो आपको बताता हूँ। जो पहला लेसन सब म्यूजिशियन सीखते हैं तो वो है ईयर ट्रेनिंग। अगर कोई भी म्यूजिशियन ईयर ट्रेनिंग सही से लिए होते हैं तो उनका बहुत अच्छा म्यूजिकल करियर और इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स होता है। चाहे वो कोई भी सिचुएशंस में हो, वो अपना ठीक इंस्ट्रूमेंट से हो या वोकल से हो, वो अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो पहला लेसन वो ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक्स लेसन है और इसे अगर आप ध्यान से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आपकी म्यूजिकल जर्नी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये नेचुरल स्केल्स के बारे में। नेचुरल स्केल ऐसा स्केल होता है जिसमें कोई शार्प्स और फ्लैट्स नहीं होते। तो वो स्केल्स कैसे हैं, क्या क्या है, मैं बताता हूँ। मैंने एक पेपर में लिख के रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये अच्छा मतलब समझ में आ जाए। ऐसे मैंने लिखा हुआ है कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये है इंग्लिश के सारे गामा। आप अगर बोल सकते हो, ऐसे समझ लो कि ये इंग्लिश के सारे गामा। मैंने इस हिंदी में भी मतलब लिखा हुआ है इंडियन स्टाइल में, सारे गामा पा धा नी सा। तो ये इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसको वो आप देख सकते हो। तो आप अगर देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। होपफुली आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि अगर आपकी ईयर अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाती है तो फिर आपको चाहे किसी भी गाने के कॉर्ड्स निकालो या अपनी गाने बनाओ, बनाने के बाद उसमें कॉर्ड स्ट्रक्चर डालो, ये सब बहुत ईजी हो जाता है अगर आप अच्छा से ईयर ट्रेनिंग कर लेते हो। तो जाहिर सी बात है सबके पास हारमोनियम वगैरह नहीं होगी। आप गिटार सीख रहे हो या कोई भी, अगर आपके पास हारमोनियम हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप वो सिंथेसाइजर जो आते हैं उसे भी खरीद सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। नहीं तो आपको ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगी एंड्रॉयड iOS कुछ भी में, कोई भी प्लेटफॉर्म में ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो ईयर ट्रेनिंग के लिए आपको मतलब हेल्प करती है। तो मैं सुर साधना वाले शायद ऐसी कोई सॉफ्टवेयर है, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। वो मेरे स्टूडेंट्स कुछ हैं वो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एनीवेज, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको ईयर ट्रेनिंग सही से हो जाती है तो फिर आप किसी भी म्यूजिकल स्किल को जल्दी ग्रास्प कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप इस वीडियो को भी यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे, ये मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपका ये सी नोट है तो सारे नोट्स हारमोनियम के रहे हैं, ये आपको गिटार में भी मिल जाएंगे। तो इसे प्रैक्टिस कैसे करना है, इस वीडियो को कैसे यूज़ करना है, वो मैं बताता हूँ। मैं अगर अभी आपको मैं अपना स्टाइल दिखाऊंगा कि कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसी हिसाब से आप भी कोशिश करना, आपको ये शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ सारे गामा पा धा नी सा करके कैसे जाते हैं, मैंने कैसे अपना वोकल और इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स मतलब डेवलप किया हुआ। तो Thank you.
दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि मैं लोअर से हायर ऑक्टेव कैसे जाता हूँ और हायर से लोअर ऑक्टेव कैसे आता हूँ। ये आपको तीन चार शायद अगर आप कोशिश करोगे वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए तो वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आप हारमोनियम या कुछ भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिटार हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। उसके लिए भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे करना है। फिलहाल तो मैं ये हारमोनियम के ऊपर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा आपको ईयर ट्रेनिंग के लिए। आपको पियानो वगैरह सब कुछ मिल सकता है, उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से गिटार बजा रहा हूँ लेकिन मेरे खुद की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि किसी मेलोडी को ग्रैस्प करने के लिए या उसे परफॉर्म करने के लिए, तो वो लेवल मेरे पास नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था सही लेसन्स के लिए, लेकिन मैं किसी तरीके से भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो फिर किसी ने शायद मुझे बताया कि तुम्हारी ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो वो मैंने ईयर ट्रेनिंग करवा ली अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई मेरे लिए। तो मैं किसी भी मेलोडी को अभी कोई भी चाहे कुछ भी हो मेलोडी उसे ले सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है अगर आप मेलोडी को अपने वोकल से गाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव हो जाता है, चाहे वो आप गिटार में सिंगल नोट्स बजाओ या सिंथेसाइजर में बजाओ या पियानो में बजाओ या हारमोनियम में बजाओ, उसके साथ अगर आप वोकल मैच कर लेते हो तो वो आपकी अंदर के सिस्टम में वो चली जाती है, वो मेमोरी में आपकी चली जाती है, रजिस्टर हो जाती है, और जिससे कि हम नोट पहचान सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इंटरवल को पहचानना। अगर इंटरवल को पहचानने, जैसे कि मैं बताता हूँ ये सा हो गया, इसके बाद मैं कोई भी नोट बजाऊंगा मैं मुझे पता है कि ये कौन सा नोट हो जाएगा, तो ये सा मा सा मा सा मा सा पा सा गा सा सा रे सा गा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ये यही बात। तो वो प्रैक्टिस कर जितनी ज़्यादा करोगे उतनी आपके लिए हेल्पफुल है। होपफुली मैंने आपको ये लेसन जो दिया आप इसे यूटिलाइज़ करोगे अच्छी तरीके से, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछनी है इसके रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड आप वो मैं मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस से आपको हर वो बात बतानी जो म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, पर्टिकुलरली इनिशियल में जो इनिशियल लेवल में रहते हैं। मैं खुद भी भटक चुका हूँ इधर उधर, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो भी वैसा हो, क्योंकि टाइम इज़ रियली प्रेशियस, टाइम इज़ एक्चुअली मनी, और जितना वक्त आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे अच्छी तरीके से। वक्त इन्वेस्ट करना इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन बैठे रहो गिटार लेके, या इफेक्टिव प्रैक्टिस जो होनी चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, इफेक्टिव प्रैक्टिस ही आपको अच्छी तरीके से बनना अच्छी लेवल पर लेके जाएगी आपकी इंस्ट्रूमेंट। एनीवेज आप होपफुली इस लेसन से कुछ यूज़फुल बातें सीख चुके हो, और आपकी म्यूज़िकल प्लेइंग में शायद मैं कुछ डेवलपमेंट ला सका हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा लेसन ऐसा करूँ या तो कुछ और कुछ बताऊँ, तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों ये बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।